फाइनली विद दिस व्यू हम पहुंच चुके हैं हमारे होटल विच इज सुल्तान केव स्वीट्स एंड लेट्स टेक यू गाइस इन नाउ. ओके दिस इज द होटल. बहुत ही यहाँ के फेमस केव होटल्स में से एक है ये. एंड ये है व्यू. एंड मैं आपको फटाफट से रूम टूर दे देती हूँ क्या है. बहुत ही प्यारा रूम है और काफ़ी बड़ा होटल है ये. सो कैपेडोकिया में आप जब आए तो हमेशा केव होटल में रहे, अलग ही एक्सपीरियंस होता है. मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि रूम कैसा होगा बिकॉज पिक्चर्स में तो काफ़ी प्यारा लगा है. ताने ऑलरेडी अंदर भाग चुके हैं तो आई विल जस्ट शो यू कि हमारे रूम से व्यू क्या है. लेट्स गो. रूम थोड़ा ऊपर जाके है. एनी प्यार इट्स फ्लावर. ये हमारी एंट्री है, मतलब ऐसे प्राइवेट टाइप्स. एंड ये छोटू सा पैशियो है जो हमें दिया गया है यहाँ पे. छोटू सा बालकनी और यहाँ से हमें डायरेक्ट व्यू मिलता है. चलो लेट्स गो इनसाइड. सो गाइस मैं देने वाली हूँ आपको रूम टूर. ओ मेरी बहन आ गई है, सॉरी. ओके सो ये है हमारा क्यूट सा प्यारा सा पाशा केव स्वीट. सो स्वीट का नाम इज पाशा केव स्वीट एंड द व्यू आपको देखना पड़ेगा. बहुत ही विंटेज वाइब है ये पूरे होटल की. यहाँ से हमें व्यू मिलता है लेकिन अगेन The best part is the washroom. Okay. ये मैं हूँ, ये आप व्यू है और हमारी पानी आ रही है. व्यू. अभी तक नहाए नहीं है हम. नहाएंगे नहाएंगे. बहुत दो दिन और हैं यहाँ पे. So yeah, ये था हमारा रूम टूर. एंड अब हम फटाफट से रेडी हो जाते हैं क्योंकि हमें बहुत सारी प्यारी प्यारी पिक्चर्स क्लिक करनी है यहाँ पे. वहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, ये उनका रेस्टोरेंट है लेकिन अभी बहुत सारे लोग हैं तो हम बाद में जाएंगे. सो या जल्दी से रेडी हो जाते हैं एंड आपको सारा बोल दे. तू बोलना तो जल्दी से हम रेडी हो जाते हैं और फिर आपको हमारा छोटा सा होटल टूर कराएंगे हम. यस, होटल टूर भी कराएंगे और प्यारी प्यारी पिक्चर्स भी क्लिक करेंगे. ये बहुत 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 ज़्यादा सुंदर है. सो सी यू इन सम. तो हम नीचे आ चुके हैं एंड यहाँ पे भी एक सिटिंग एरिया है. एंड तान्या सामान पकड़े हुए है क्योंकि हम फोटोशूट भी कर रहे हैं साथ में. बहुत बड़ा और ये एक और एंट्री है सुल्तान के स्वीट्स की. हमने दूसरे जगह से एंट्री किया था, हम यहाँ से एंट्री कर रहे हैं. एंड सी दिस गाइस, दिस इज़ द होल होटल. इट्स सो ब्यूटिफुल. एंड यहाँ पे केव्स है, शाम हो रही है, सनसेट हो रहा है. आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं ये और तान्या ये कर सकते हैं. दैट इज़ आपकी वजह से, आपने ये सब दिया है. एंड वी आर सो 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 ग्रेटफुल. तान्या को घंटा पड़ी नहीं है क्योंकि वो वहाँ पे ये यहाँ की फेमस कैफे है सुल्तान कैफे. एंड अच्छा लग. ताने की ककड़ी जम रही है. यहाँ पे सुबह बहुत बड़े बड़े बलून्स आते हैं और कल हम वही शूट करेंगे. यू विल सी इट. वी आर हियर फॉर टर्किश बाथ लाइक दिस. गुंडा के मारे कुकड़ी जम रही है बिकॉज इट्स अ हिल एरिया. सो फर्स्ट टाइम मैंने सुना बहुत रगड़ 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 की तीर को जरूरत है. ऐसे मैं आज नहीं नहाई, इसलिए मैं नहीं क्योंकि आज नहीं नहाई. सो गाइज हम रेडी हो गए हैं टर्किश बाथ के लिए. उसके अंदर आता है सोप मसाज एंड स्क्रबिंग एंड हमने फीलिंग भी ली है. फीलिंग भी है. ओके
फुट मसाज आज तो रगड़ रगड़ के तो साफ करने वाले. एनीवेज फोन हम अंदर नहीं ले जा सकते बिकॉज बहुत हॉट है. तो मैं आई थिंक होने के बाद हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और आपको बताएंगे क्योंकि शी गोना शो अस अराउंड, सो वी विल शो यू अराउंड टू. यस, कि कैसा दिखता है अंदर से क्या है एंड ऑल. हम भी एक्साइटेड, हमने कभी नहीं देखा है, सिर्फ वीडियोज में देखा है. सो सी यू आफ्टर द मसाज. बाय. ओके गाइस, सो वी आर बैक फ्रॉम मसाज. Guys, I have to tell you that it is one of the most unique experience जो हमने feel किया है. हाँ, और अगर makeup को लग रहा है makeup नहीं निकला, हमने नहीं बोला कि face पे मत करो कुछ क्योंकि हमें vlog बनाना है इसलिए. तो अभी हम आपको step by step बताएंगे हमने क्या क्या किया and I hope आपको समझ में आए, but it's something very different. Yeah. Change करने के बाद हम लेंगे सोना. तो सोना में क्या हुआ था जरा बताना भैया. मैं इट्स वेरी हॉट एज यू कैन सी. ये इस पे पानी डालने से स्टीम होता है और ये पत्थर से यहाँ का सोना होता है. नथिंग इलेक्ट्रिक और टेम्परेचर होता है. तो 5 मिनट के लिए हमें यहाँ पे रख दिया गया था. फिर आया स्टीम रूम. अब स्टीम रूम में हमने यहाँ बैठ के पूरा पानी पानी हो गए और हमने गाना भी गाया. कौन सा? मुझे तुमसे मोहब्बत है दीवानगी की हद तक. क्योंकि कुछ करने को नहीं था और बहुत टाइम तक हमें बैठना था इसमें. अभी हम जाएंगे हमारे टर्किश हमाम. अभी अरे मेल तो आपको दिखाया है नहीं. तो ये जो जगह है बेसिकली दिस इज कॉल्ड द हमाम. यहाँ पे आपको पानी आएगा और ये जो दो कटोरे दिख रहे हैं आपको खाना कम बैक. हाँ यस, तो ये यहाँ से पानी आता है. ये जो दो कटोरे दिख रहे हैं जिसमें ऐसे पानी भर के और आपके मुंह पे यहाँ पे आप लेटे रहते हो. यहाँ पे आपको ऐसे लेटा देते हैं. दिखाओ दीदी डेमोन्स्ट्रेशन. ऐसे लेटा देते हैं ठीक है. पानी डालने के बाद स्क्रबिंग होती है. ऐसे हैंड में ग्लव पहनते हैं और आपकी पूरी बॉडी में ड्राई ऐसे एक्सफोलिएट करने के लिए डेड स्किन को निकाल डेड स्किन निकालने के लिए रगड़ते रगड़ते. हमने फेस पे नहीं रगवाया बिकॉज आई डोंट नो कि अगर कुछ हो गया सेंसिटिविटी की भी इश्यूज है, लेकिन इतना रगड़ा था हमारी मम्मी ने भी बहुत रगड़ा है. थर्ड स्टेप इज सोप बाथ. तो ये ऐसे कुछ जैसे सोप बनाते हैं इसमें और फिर ऐसे करके आपकी पूरी बॉडी पे क्लाउड बनाते हैं. पूरी बॉडी पे फोम होता है और फिर वो से रगड़ते हैं अच्छे से. जैसे हम साबुन से नहाते कैसे फटाफट नहीं, अच्छे से मलते हैं आराम से मलते हैं. तो प्यार से मलते हैं सोपी. 1 घंटे तक यही होता है यहाँ पे मार्बल पे बैठ के. सो बेसिकली हमाम में मार्बल का यूज होता है और स्टीम एंड ऑल दैट. फिर उसके बाद वो आपको वॉश कर देते हैं एंड यू आर फ्रेश एज अ डेज़ी. तो हमने फुट मसाज कराया क्योंकि आपको पता है कि 5 दिन से होने वाली मम्मी पापा होती है. This was our experience in Turkish Hammam by Kelbet Group, Sultan Caves Hotel में जहाँ हम रह रहे हैं. उन्होंने अरेंज किया था and it's so good guys. तो आपने तो देखा ही होगा कि कितना सुंदर है रूम. Experience was more, what do you say, efficient. Efficient में तो बहुत रिलैक्स फील हो रहा है. We are at Pasha Valley. Pasha means king. And this are the formations of volcano. Volcano हुआ था उसके फॉर्मेशन है ये. यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैलीज है, बहुत सारी अलग अलग वैलीज हैं. एंड ताने एज यूजल इज़ बिजी इन अ फोन, उसको घंटा पड़ी हुई है. लेकिन मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पे बहुत सारी वैलीज़ है. तो ये पहली वैली है जो हम आए और हम रेड टूर पे आए. यहाँ पे बहुत अलग अलग कलर के टूर्स हैं. तो हमने लिया है रेड टूर, ग्रीन टूर. कल हमारा हॉट एयर बलून है और किंग वैली टूर है. किंग्स वैली टूर है, उसमें विलेज में लोग कैसे रहते हैं वो दिखाया जाएगा. सो स्टे ट्यून्ड एंड वी विल शो यू द पूरा रेड टूर. यस, और पूरा व्लॉग देखिएगा एंड तक. तो ये पहली वैली है पाशा वैली. अब हम इसके बाद ऑल और वैलीज में भी जाएंगे. केव में है पूरी वैली दिखती है. Yes, this is wow. We'll take nice pictures. Okay. चलो चलो चलो. ये caves हैं and adventure भी
तो हमें ऐसे उतरना पड़ता है. सब उतर रहे हैं. मैं कैसे आऊंगी? तो हम आ गए हमारे सेकंड स्पॉट पे और ये है फेरी चिमनीज जहाँ पे लोग रहा करते थे. इट्स द फेरी चिमनीज. दैट्स फेरी चिमनीज. हाँ, इट्स फेरी चिमनीज. और ये आप जो होल देख रहे हो बीच बीच में, इसमें लोग रहते थे 1970 में, ये मैंने सुना अभी अभी गाइड से. और यहाँ पे लोग प्रोटेक्शन के लिए छुपा करते थे, एनिमल्स को रखने के लिए छुपा करते थे. एंड फेरी चिमनी इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप देखो इसका टॉप ऐसा चिमनी जैसा है, तो इसके लिए ये ऐसा है. इट्स ब्यूटीफुल. यहाँ हम आए हैं पॉटरी देखने. एंड अपेरेंटली पॉटरी इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफेशन ऑफ कैपेडोकिया. अगर एक पुराने जमाने में अगर लड़के को पॉटरी नहीं आती थी तो शादी नहीं, तो शादी नहीं करते थे. नो शादी नो बच्चे. हम भी गमला बनाएंगे डिफरेंट काइंड ऑफ पॉटरी जो यूज भैया करती थी, अलग अलग टाइप के बर्तन देती थी. ये बहुत ही पुरानी पॉटरी है, जरा देखो. आय हाय 1200 BC. तू क्या देख रही है? ये म्यूजियम से शुरू होता है. पेंटिंग करी है. बहुत सारी जगह है यहाँ पे. इट्स बेसिकली अ पॉटरी थिंग, एज वी टोल्ड यू, इट्स अ पॉटरी म्यूजियम. ये बहुत ही बुरा लग रहा है. मेरा दिमाग ऐसा, क्या करूं? सो दिस इज पॉटरी गाइस. दूर से देख रहे हैं. नहीं, मुझे भी करना है. दीदी इज रेडी फॉर हर पॉटरी क्लास. ना हो पा. क्या बना रही है? They glow in the dark. So हम आ गए हैं यहाँ famous Love Valley में, जहाँ पे आपने बहुत सारी pictures देखी होंगी. लोग ऐसे ऐसे हार्ट शेप पिक्चर्स एंड ऑल, घोड़े के साथ, कैमल के साथ बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करते हैं. और हम भी करेंगे ऑफ कोर्स. बट लव वैली इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे रेड कलर के स्टोन्स हैं जो वीडियो में नहीं दिखेंगे आप, तो जस्ट डजंट डू जस्टिस. मैं कैमरा में कितना भी निकाल लूँ पर जो मैं आँखों से देख रही हूँ वो नहीं बता सकती, इतना प्यारा है. एंड लव वैली इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे पिंक स्टोन से बहुत सारे कार्विंग्स बने हुए हैं. एंड ये वोल्केनो के रिमेन्स हैं, उनके फॉर्मेशंस हैं, तो इसलिए ऐसा है. एंड ऑल्सो बोलते हैं कि लवर्स जो है वो यहाँ पे आते हैं शादी से पहले, तो सीक्रेट होता है, तो इसलिए लोग अपना नाम, कपल का नाम यहाँ पे बांध के जाते हैं. सो यहाँ ऑल दीज छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं. अब थोड़ा फ़ोटो शूट करेंगे फिर खाने खाने जाएंगे. सो दिस इज वेयर द कपल्स कम हियर, दे राइट द नेम्स, ताकि उनका प्यार भी हमेशा सीक्रेट रहे. हम आ गए हैं सबसे हाईएस्ट पॉइंट ऑफ कैपेडोकिया, जहाँ से पूरा शहर दिखता है. गोरमी. दैट्स हाउ दे प्रोनाउंस. तो यहाँ पे ये सारी वैली है, वो शहर है जहाँ पे दिख रहा है. एंड ऑब्वियसली थोड़ा शॉपिंग शॉपिंग करने वाली ताने ये लीजिए, क्यूट है ना. हम लंच के लिए जा रहे हैं, रास्ते में हम ये पम्पकिंस भी देख के जा रहे हैं. पम्पकिन फार्म है और अब बहुत ऊपर आए हैं पहाड़ के ऊपर. पहाड़ के नीचे जाने 100 steps. हाँ, लेकिन हम ऊपर आए हमारे शहर से दूर लंच करने के लिए. तो ये रास्ता है 100 steps जाने का विद दिस अमेजिंग व्यू. और हमारी तान्या इतना दूर पहुंच चुकी है और मैं चल रही हूँ. हमें
तान्या के पास पहुंचना है, रुक जा तान्या, उधर ही रुक जा। फाइनली वी रीच, आई डोंट नो ये कौन सा फ्रूट है, लुक्स लाइक पेयर या, एंड ये प्यारा सा होटल है नेचर के बीचों बीच। यहाँ पे ये लोग अपने प्रोड्यूस खुद ही उगाते हैं और उनसे खाना बनता है। सो लेट्स सी आज हमारे लिए क्या है खाने में। फर्स्ट सेफ फॉर द डेजर्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल से हाय टू आवर फ्रेंड्स। हेलो, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्व्स। आई एम उमर। आई एम माहीन। एंड यू गाइस आर फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन रहते हैं यूएस में, अमीर पार्टी है। हम अपना लंच शुरू कर रहे हैं एट किंग्स वैली रेस्टोरेंट। मैं बहुत थक गया हूं, मुझे बहुत भूख लग रहा है। गाइस दे हैव देयर ओन फ्रूट्स आल्सो, देखो मैंने खाया है यहां से ग्रेप्स, सो दे हैव अमेजिंग वाइंस। इफ यू वांट यू कैन ट्राई दैट। लेट्स स्टार्ट विद द सैलेड विद लॉट्स ऑफ सॉल्ट अगेन। नेक्स्ट डिश इज सम स्टार्टर्स, दिस इज कॉल्ड डोलमा एंड दिस इज कॉल्ड सरसा। एंड इसके अंदर राइस की फिलिंग है, ये एग प्लांट है और ये है कैप्सिकम, ये है एग प्लांट और ये कोई वो दूधी वाला है, वो है, चुप रह जाओ। एंड दिस इज ऑल्सो सम लीफ के अंदर राइस रैप करके एक रोल बना है। एंड दाना इज गोइंग टू ईट इट एंड टेल अस, जल्दी कर ले। पहले राइस खा ले, इतना हेल्दी खाना नहीं खाते। टर्किश क्विज़ीन कैसे? टमाटो राइस लग रहा है, नॉट बैड, सेफ है, खा सकते हैं, जिंदा बच जाएंगे। फर्स्ट लास्ट स्टेप विच इज डेजर्ट, व्हाट आर द रिव्यूज? अच्छा है, सी द ट्रुथ, हॉट एयर बलून इज द बेस्ट पार्ट ऑफ कैपेडोकिया। पर मैंने तो पूछा ये कैसे है? ये क्या मैंने सुना नहीं, मुझे लगा कि कैपेडोकिया नहीं, इट्स ओके, आई वुड प्रेफर इंडियन फूड। यस, दिस इज मेड अप ऑफ सूजी, सो बेसिकली सूजी का केक थमा दिया है हमें एंड द फेमस टर्किश टी। यहाँ पे लोग खाने के बाद टी पीते हैं, तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ माइन। लेट्स डिग इन। हॉट हेयर बलून, फोन दीदी का गिर गया तो हमारा 10 दिन का वो लग जाएंगे। हमें 4:30 बजे उठ के तैयारी की है और हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे पिक्चर्स के लिए, लेकिन आई थिंक वी जस्ट हैव टू एंजॉय द मोमेंट। डू यू एग्री? यस, नीचे आपको मिलता है, तब तक हम एंजॉय करें। ऑल्सो हार्ट टू हार्ट टॉक, आई जस्ट फील की एज एन इन्फ्लुएंसर, हमें हर चीज़ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी पड़ती है और हम बहुत पैनिकी और स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। इवन फॉर दिस वी वर लाइक क्या करेंगे, बट वी काइंड ऑफ मैनेज इट्स टू कोल्ड गाइस, ऑब्वियसली आपको पता है, लेकिन दिस इज द एफर्ट वी डू फॉर आवर इंस्टाग्राम एंड आई होप यू लाइक इट। तेरे बाल कटकटी लग रहे, तो क्या वीडियो लेंगे? देखा देखा तेरे खराब बाल देखा। आफ्टर द होटल बलून बहुत भूख लग रही है और मैं हूँ उस बंदर के साथ, सेम टू सेम, और हम हैं सुल्तान एंड वहाँ पे एक दूसरा रेस्टोरेंट है, हमने कल वहाँ खाया था
एंड टुडे वी आर ईटिंग हियर. सेम खाना है, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है वेजिटेरियंस के लिए. सो खा ले जल्दी जल्दी. सॉरी मैं ऑलिव्स तोड़ रही हूं. ये ऐसे गंदी तरह खाना कौन खाता है. हमारा दूसरा होटल इन कैपडोकिया एंड इट्स कॉल्ड अजा केव होटल. दिस इज द लाउंज एरिया जहाँ पे हमें महंगी मिली है कॉम्प्लीमेंट्री. लेट मी शो यू द बेडरूम. इट हैज द व्यू काइंड ऑफ एंड द बेस्ट पार्ट एज यूजुअल द बेस्ट पार्ट. वे ये कौन दिखाएगा. The best part as usual is the washroom. Oh my god, the washroom is huge. Yeah. Huge washroom. And Sultan mein chhota sa tha, but this is huge. The view. Hey, nice. Woohoo. Ye bahar ka nazara hai. Ye hamara view hai. And that is our room. This is our room. Aur yahan pe bahut hi pyara sa garden hai. और ये है व्यू. और वहाँ पे आगे स्विमिंग पूल भी है, वो भी दिखाऊंगी मैं आपको. नाउ वी आर गोइंग इन द सेकंड पार्ट ऑफ द होटल जो इसके इधर है. और ये पहली एंट्री थी और ये दूसरी एंट्री है. काफ़ी बड़ा होटल है. नाइस. बट ऑब्वियसली बहुत ठंडी है. 10 डिग्री है ना ताना. 8 डिग्री है तो आई डोंट थिंक हम पूल में जा पाएंगे. बट आप देख लीजिए गर्मी में आएंगे तो आप पूल में कर सकते हैं. सुबह के 6:30 बजे रहे, नहीं सॉरी 7:45, और दीदी वेडिंग ड्रेस पे तैयार हो चुकी है. फोटोशूट के लिए हम आए हैं. मेरी शक्ल मत पूछना. चलो 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 कुछ करते हैं. सो वी आर एट द अंडरग्राउंड सिटी. मेरी फट रही है. जहाँ पर मैं दीदी को दफना दूँ. चुप रहा, मेरी फट रही है. मुझे डर लगता है ऐसा क्लोज प्लेसेस से. वॉट तू जाना, मैं बाहर वेट करूँगी. अरे तू कितनी बड़ी फटू है. ये ना ही मलेशिया में रहती थी ना ही. एंड इट कैपडोकिया में दिस इज वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन. इफ यू डोंट गो देन क्या फट्टू गिरी करती है यार. नहीं जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है. आई एम लुकिंग प्रीटी गाइस. अंडरग्राउंड सिटी में आ गए हैं और यहाँ पे लोग रहते भी थे और एनिमल्स के लिए स्टेबल भी हैं, सब कुछ है. पता नहीं कैसे रहते थे. इट्स थोड़ा स्टीप. And that is our guide. Say hi. Hello. Please tell our viewers your name. Eski. I'm Eski. Yes. And she is explaining us Cappadocia ka history. So now we are in second floor. In second floor we have grave like this, but this grave just for the important person. Grave. Yeah. Important person. Grave religious person. You can see the like these type of places. Our tour guide is so sweet. Just be careful. I'm not seeing anything. I'm just going with that. Yeah. Careful. Slowly. Quiet. Okay. Guys, I'm tunnel. Now come here. Hush. Oh, what, this is scary. क्या हो गया दीदी. रोड है. मुझे नहीं होगा यार. ये सांस लेने को हो रही है. इट्स इन योर माइंड राइट. इट्स इन द माइंड दैट यू कांट ब्रीथ. यू कैन ब्रीथ. इट्स टाइम टू गो एंड आई एम सो हैप्पी. थैंक्स. एज यू नो टर्की इज फेमस फॉर कार्पेट्स. हम कार्पेट शॉपिंग करने आए हैं. दिस विल लुक सो नाइस. मॉम विल बी सो हैप्पी. मम्मी तुम्हारे लिए कुछ तो ले लिया था ने फाइनली. तो हमने ये चूज किया है. इट द कलर इज नाइस राइट. हां यू वांट मी टू टेक द रेड वन. पता नहीं. सो नेक्स्ट स्टॉप इज सेलेमे कैथेड्रल यानी कि सेलेमे मॉनेस्ट्री है ये.
तो आई डोंट थिंक सो अंदर होगा अलाउड फोटोग्राफी. तो मैं आपको बाहर से दिखा देती हूँ. ये काफ़ी ऊंची है, मतलब पहाड़ के भी ऊपर फॉर्मेशंस बने हुए हैं. तो बाहर से मैं आपको दिखा दूँगी. इट्स इन दी अक्सरा एरिया, अहलारा वैली इन टर्की, इन कपाडोकिया. सो यस, ये आपको ग्रीन टूर अगर आप लेंगे तो उसमें मिलेगा. एंड आप यहाँ से देख सकते हैं कितना प्यारा है ये. This is the view. There's a lot of steps. How many steps are there? Probably 52 or maybe 54 steps. 52 or 54 steps. And यहाँ पे किसी चीनी ने दानों को पकड़ लिया और वो pictures खिंचवा रही है. She's busy. And we will go further. Okay, so we are going in a winery जहाँ पे wine बनती है. This is the whole view of the monastery. यहाँ पे चर्च है, किचन है, मॉनेस्ट्री है. And this is, I guess, the best view room. And this was made for all the spiritual leaders and monks and all. है ना? Yeah, it's very nice. And now we are going to one of the monks' room. And this is for the wine glass. ये छोटा सा hole is for the wine glass. Wine बहुत पीते हैं लोग. And this is the view they get from here. Yes. Photos के लिए क्या-क्या करते हैं लोग? मैं तो आने से रही दुनिया तेरे को help करने की. तेरी बहुत ही sexy view है यार. I will also see. I will also see. Oh, fuck, lucky. Yeah, yeah. Very good. Very good. इससे मुझे बोला था कि मुझे help नहीं करी उतरने. तो मैं तो तेरी help मांगी, तेरी एक भी help मांगी मैंने. चल निकल ऐसे. It's the view. Oh my god, this is beautiful. Okay, the next stop is lunch, and it's such a beautiful place. So this is our table. And we will be eating in traditional Turkish style, right? Small foods, yeah. Yeah. Dana, how excited are you? I love it. Next stop is Pigeon Valley. Tell us why Pigeon Valley. Because we have a lots of pigeons in here, as you see just right there. And also on across the valley you can see lots of pigeon nests. We using the pigeon poop. Pigeon poop, pigeon ki tatti. That's not pigeon poop. Ready? One, two, see there. क्या क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, चुप रहे. सो यू यूज पिजन का टट्टी टू पिजन का जो यू से पूप आल्सो. नो, वी से पूप टट्टी टट्टी टट्टी. इन टर्किश वी से काका काका. या आई नो, बट इन हिंदी यू से टट्टी पूप. यस, कम ऑन. सो यू विल से पिजन टट्टी. से okay, pigeon tatti. Yes. They use for fertilization of potatoes and other fields. Grapes. Yeah, grapes. Grapes, yeah. Oh my god, we just ate those grapes. Upar latke hue the tane shada. Yeah. And then they have all these structures which are made specially for pigeons so that they poop, do tatti, and then you can see the Uchhisar castle. Yes, that's right. Uchhisar castle. And this is Uchhisar city. It's the highest point of Cappadocia. No, it's not. And one more thing, this is... So I've seen this in so many videos and photos, and I always wanted to come here. So this is called Nazar. And ये लोग भी नजर बुलाते हैं. और ये ट्री क्या है बताओ लोगों को. ट्री है, लोग आते हैं अपनी विश मांगते हैं. और लेकिन विश का प्रूफ, अच्छा तो मिथ बताओ. और लोग मानते हैं कि जब ये टूट के गिर जाता है तो विश पूरी जाती है. और सर्दियों में सारे टूट के गिर जाते हैं, सबकी विशेष पूरी जाती है. तो अच्छी बात है ना. थिंक पॉजिटिव. सो वी आर ट्राइंग. इतने भुक्कड़ रखे हम कि हमने ऑर्डर किया नमस्ते इंडिया से खाना, क्योंकि हम बाहर नहीं जा सकते. बहुत समोसा ऑर्डर समोसा. ओह ला ला.
फाइनली हम मेन कोर्स पे पहुंच चुके हैं समोसा खाने के बाद. समोसा वाज प्रीटी गुड राइट? या इट वाज नाइस बट ऑब्वियसली इट लुक लाइक कि चल अब्रॉड से ही खा. हाँ मतलब ठीक है यहाँ के हिसाब से तो काफी अच्छा है. और हमने लगाने की कोशिश हो रही है एज यूजुअल. हमने खा रहे हैं दाल. क्या दाल ली है? दाल ली है, पनीर मखनी है. सॉरी पनीर मखनी, बटर नान एंड आई एम हैविंग तंदूरी रोटी. सो साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. कल मिलते हैं, कल हम जा रहे हैं अंटालिया. सो एयरपोर्ट पे मिलते हैं आपको सुबह 7:30 बजे. बाय. एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं जैसे कि आप बहुत भी हैं. आप कुछ खाया नहीं? ब्रेकफास्ट कुछ नहीं खाया. ठंडा कुछ नहीं, कुछ नहीं. बहुत भूख लग रही है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू अंटालिया एंड यू आर वी आर एंडिंग द कप्पादोकिया व्लॉग. एंड अगर आपको ये व्लॉग इंटरेस्टिंग और प्यारा सा लगा हो तीन चीजें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग.